Welcome to lecture 2, the microprocessor based personal computer system. Today lecture outline the memory and input system, buses and the number system. Here is the introduction. Basically हमारे पास जो computer system थे, जो पहले computer system थे और वो जो अब computer system है, इसमें एक great difference है. वो क्या है, जैसे पहले कंप्यूटर सिस्टम्स थे वो लार्जर एरिया या साइज उनका बहुत ज्यादा था और वो बड़े बड़े रूम्स में प्लेस होते थे, ठीक है. आज का जो लैपटॉप है वो या जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इतने स्मॉल हो गए हैं, इवन जो लैपटॉप से आप उसको अपने हाथ में लेके फिरते हैं, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, इसके अलावा हम लोगों ने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की स्पेस को रिड्यूस किया. हम लोग काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो बड़े पीसीज करते थे, इवन उससे एडवांस टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने यूज की. एडवांस माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट यूज किए जिनकी डिफरेंट स्टोरेज कह सकते हैं कि स्पेस थी, ठीक है, उनमें स्पेस ज्यादा थी, ठीक है. वो वाले हम लोग उसके ऊपर शिफ्ट हुए. माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कि वो हम लोगों ने एक तरह से डिजाइन किए हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते सेम ऑपरेशन जो हम लोग पहले पीसीज परफॉर्म करते थे, ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं दी मेमोरी एंड दी इनपुट सिस्टम से. जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है सारे पर्सनल कंप्यूटर्स का वो सिमिलर होता है, ठीक है. इसके अलावा इसमें जो डिफरेंस आता है वो मेमोरी के स्टोरेज में होता है, ठीक है. इसके अलावा सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लिक होती है वो ये है कि मेमोरी है क्या, ठीक है. मेमोरी एक बेसिकली स्टोरेज डिवाइस होती है. मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस जो कि कंसिस्ट करती है डिफरेंट एड्रेसेस और रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है. हम लोग कहते हैं कि व्हाई वी नीड एड्रेस, ठीक है, हम लोगों को एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है. इसकी बेसिक रीजन ये है कि मेमोरी कंसिस्ट करती है सो मच ऑफ द डेटा यू कैन स्टोर, ठीक है. आप बहुत ज्यादा मेमोरी में डेटा जब स्टोर होता है तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जितना साइज है डेटा का वो मेमोरी में उतना साइज स्टोर हो भी सकता है कि नहीं. अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो मेमोरी होती है उसको इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है, हम लोग को ने वो डेटा को हम लोग को उसका एड्रेस ही नहीं पता तो वो चीज कैसे मेमोरी स्टोर कर लेगी, ठीक है. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना है, ठीक है. अब आपको अगर उस दोस्त के घर का नहीं पता तो आप उसको गिफ्ट कैसे देंगे, ठीक है. तो जरूरी है कि आपको उसके घर का एड्रेस पता होना जरूरी है, ठीक है. दैट्स व्हाई इसी तरह मेमोरी को भी एड्रेस का पता होना जरूरी है, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं कि मेमोरी कंसिस्ट करती है हम लोगों के पास एड्रेसेस और रजिस्टर्स पे. सेकेंडली हम लोग कहते हैं कि मेमोरी को रजिस्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी. उसकी बेसिक रीजन ये है कि मेमोरी बेसिकली कंसिस्ट या कंटेन कर रही होती है सो मच ऑफ डेटा, ठीक है, जो कि हम लोग के ऊपर. अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी को भी इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है. इफ यू डोंट हैव द एड्रेस द प्रोसेसर कैन नॉट गेट द डेटा, ठीक है, एंड कैन नॉट पुट द डेटा इनटू द मेमोरी, क्लियर. एंड टू स्टोर एनीथिंग यू शुड नाउ द एड्रेसेस, क्लियर. हियर इज द मैप ऑफ बेसिकली मेमोरी मैप ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम विच इज डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी एंड देन गो टू माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. 8086 डिफरेंस क्या होता है, इसमें बिट्स का डिफरेंस होता है, स्टोरेज का डिफरेंस होता है, ठीक है. उसके बाद होता है हमारे पास इनपुट सिस्टम्स. बेसिकली इनपुट सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन होती है और इसके अलावा माउस एंड कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे पास मेमोरी में बेसिकली ये बेसिकली जो आपके एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम एरिया और TPA है, ये हम लोग आगे स्लाइड्स में मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है. एक्सटेंडेड मेमोरी बेसिकली उस टाइम होती है जब आपका स्टोरेज बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है.
है और इसको बल्कि अगली स्लाइड में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. जो मेमोरी सिस्टम है उसको डिवाइड किया जाता है बेसिकली तीन पार्ट्स में. एक ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया होता है, ठीक है. ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया बेसिकली क्या करता है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली ये बेस करता है आपके के इसमें कोई भी डेटा जो होता है. बेसिकली द टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इन योर कंप्यूटर डिटरमाइंस वेदर एन एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम एग्जिस्ट और नॉट. क्लियर? इफ द कंप्यूटर इज बेस्ड अपॉन अ रियली ओल्ड 8086 और 8088 that TPAN system area exists but there is no extended memory area. Clear? अब हम आते हैं transient program area के ऊपर, ठीक है. transient program area basically क्या होता है, ठीक है. transient program area hold कर रहा होता है DOS को. DOS क्या है, basically dynamic operating system होता है, ठीक है. डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा के लिए, ठीक है. हम लोग कह सकते हैं कि जो ये जो मींस के हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ये बेसिकली एज अ DOS सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है. आर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मस्ट प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी रीडिंग राइटिंग और स्टोरेज दी डिस्क, ठीक है. मैंने आपको पहले बताया DOS के डायनामिक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है. DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये ऑर्गेनाइजिंग दी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वो रीडिंग करे, राइटिंग फाइल्स करे, ठीक है. मीन्स के एक चीज को वो ऑर्गेनाइज करके चलाए, ठीक है. इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसके अलावा ये बेसिकली एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, वही ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटा को, ठीक है. प्रोग्राम लोडिंग इज हैंडल्ड ऑटोमेटिकली बाई द प्रोग्राम लोडर विद इन द DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर. उसके बाद है सिस्टम एरिया. द सिस्टम एरिया कंटेन प्रोग्राम्स ऑन इधर आर रीड ओनली मेमरी और अ फ्लैश मेमरी और अ एरिया ऑफ द रीड राइट मेमरी फॉर द डेटा स्टोरेज, ठीक है. सिस्टम एरिया इन सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो कितना एरिया बेसिकली कवर कर रहा है, ठीक है. ये बेसिकली हम लोगों को बताया जाता है सिस्टम एरिया में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कहते हैं कि हमने अपने सिस्टम का जो एरिया है वो अपना डिफाइन किया है, क्लियर. इसके अलावा यहाँ पे एक फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि बायो सिस्टम रोम, ठीक है. ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग टुगेदर करके इंस्ट्रक्शन सेट बना के भेजते हैं, ठीक है. ये भी वही चीज है, ये बेसिकली कंट्रोलिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. ये जो आपके पास मैप है बेसिकली पुराने कंप्यूटर्स में इस तरह की फिगर के अकॉर्डिंगली हम लोग सिस्टम एरिया डिफाइन करते हैं, क्लियर. उसके बाद है एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम. क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं. जब भी आपका डेटा मेगाबाइट्स में आता है तो वहां पे हम लोग एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है. एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम बेसिकली जब आपके पास मल्टीपल्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं तो तब भी हम लोग एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम यूज करते हैं. या हम लोग कहते हैं कि मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दी 1 MB होता है तो उसको एक्सटेंडेड मेमोरी बोलते हैं, ठीक है. आपको मेमोरी का एड्रेस पता होना बहुत, मेमोरी एड्रेस जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू दी मेगाबाइट्स होता है तो वहां पे एक्सटेंडेड मेमोरी यूज की जाती है, क्लियर. हम लोगों ने मेमोरी को डिवाइड किया 3 parts में. द फर्स्ट वन इज TPA ट्रांजिस्टर प्रोग्राम एरिया एंड देन सिस्टम एरिया एंड देन एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम. ट्रांसियंट प्रोग्राम एरिया बेसिकली क्या करता है,
वो बेसिकली DOS के ऊपर बेस करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ये ऑर्गेनाइज करता है हमारी डिस्क ऑपरेटिंग फाइल्स को, रीडिंग राइटिंग और राइटिंग फाइल्स करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम एरिया के ऊपर, ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया कवर करता है। उसके बाद एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम है, एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम में आपका जब एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दी मेगाबाइट्स, आप कह सकते हैं कि जब आपका डेटा मेगाबाइट्स में होता है तो हम लोग वहाँ पे एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि मेमोरी एंड अपना इनपुट इंटरफेसिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपके पास इंटरफेस क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस मैंने आपको आपको लास्ट में फिजियोलॉजी 2 पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पीसी है और आपका एक ट्रेनर है, आपने उन दोनों को इंटरफेस करना है, ठीक है। इंटरफेस का मतलब ये है कि उन दोनों को के दरमियान एक कम्युनिकेशन पाथ बिल्डअप करना है, मैंने डेटा लेना है और देना है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं एक पाथ डिवेलप करती हूँ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू कॉम्पोनेंट, फॉर एग्जाम्पल यूर पीसी टू यूर ट्रेनर एंड ट्रेनर टू यूर पीसी, ठीक है। इनपुट सिग्नल उठाता है, आपके पीसी के ऊपर डिलीवर करता है, ठीक है, डिस्प्ले करती है आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरफेस वर्ड क्या होता है, ये एक ऐसा पाथ होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन दी टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। और ये इंटरफेसिंग इज ऑफ टू टाइप्स, मेमरी एंड इनपुट इंटरफेसिंग, ठीक है। मेमरी इंटरफेसिंग क्या होती है, when we are executing any instruction we need the microprocessor to access the memory for reading instruction codes and the data stored in the memory, theek hai. Simple words mein, jab bhi koi aapke paas instruction aati hai, aapne usko execute karna hai, theek hai. Uske liye aapko kya karna hai, aapne microprocessor to access the memory, microprocessor access kare memory ko, ताकि जो मेमोरी है वो रीड करे मेरे इंस्ट्रक्शंस के कोड को और फिर उसको स्टोर कर दे, और फिर सॉरी माइक्रोप्रोसेसर क्या करे, मेमोरी में बेसिकली अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके कोड को रीड करे और फिर डाटा को स्टोर कर दे मेमोरी में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोथ द मेमोरी एंड द माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्स सम सिग्नल्स टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होता है आपके पास, जिसमें मैंने आपको लास्ट लैब में भी बताया था, टेम्परेरी स्टोरेज डेटा लोकेशन होती है आपकी मेमोरी में, ठीक है। जैसे आपका डेटा मींस कि आपका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये उसको वहां से रेज कर देता है, ठीक है। आप मेमोरी इंटरफेसिंग में क्या थी कि आपकी इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाए, उसके बाद आपके डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाए, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है, आपके पास इंटरफेसिंग में है, ठीक है। इंटरफेसिंग प्रोसेस इंक्लूड सम की फैक्टर्स टू मैच विद द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स एंड द माइक्रोप्रोसेसर सिग्नल्स एंड देन इनपुट इंटरफेसिंग, ठीक है। इनपुट इंटरफेसिंग में आपके पास इनपुट डिवाइसेस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे माउस, स्विचेस, कीबोर्ड्स, कीपैड्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके इंटरफेस इनपुट इंटरफेसिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और आपको इनको, जैसे एक माउस है, आपने उसको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या है, आपने उसको इंटरफेस किया, ठीक है, कम्युनिकेशन पार्ट डेवलप किया बिटवीन दी टू कंपोनेंट्स, माउस एंड योर पीसी, क्लियर। मेमोरी इंटरफेसिंग में 8-bit डेटा लाइन, 16-bit एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर कनेक्टेड टू दी corresponding lines of the memory IC, and in input device interface 8-bit data line, only 8-bit address line, control signals are connected to corresponding lines of input devices. Here is the memory devices. मैंने आपको पहले भी बताया memory devices different types की होती हैं, ROM, flash memory, static, dynamic, and then RAM. डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बस के ऊपर, ठीक है। बस बेसिकली क्या है, आपके पास जो बस होती है वो, पहले हम कहते हैं कि बस क्या है, ठीक है। बस बेसिकली अ कम्युनिकेशन पाथवे
कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, ठीक है. बस क्या है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन पाथवे होता है जो कि कनेक्ट करता है टू और मोर डिवाइसेस को, ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं बस सिस्टम के ऊपर. आप बस दैट कनेक्ट्स मेजर कंपोनेंट्स सच एज योर प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड द बस सिस्टम, ठीक है. हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट कह रहे, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, बस सिस्टम यूज किए जाते हैं. एक बस सिस्टम में मल्टीपल लाइंस ऑफ बसेस होती हैं, ठीक है. मल्टीपल सेपरेट लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं, ठीक है. हर लाइन जो होती है वो एक सेपरेट फंक्शन जो होता है उसको असाइन किया जाता है और वो उसको परफॉर्म करती है, ठीक है. बेसिकली उसमें 52 बस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है 5200 ऑफ सेपरेट लाइंस एंड ईच लाइन असाइन सम फंक्शंस, ठीक है. बस सिस्टम यूजुअली सेपरेटेड इनटू फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, आप कहते हैं कि एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस, ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, ठीक है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस सिस्टम, ठीक है, क्या है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस. लास्ट वन अगर आप इसको स्किप कर दे तो कोई नहीं है, ये सर्टन केसेस में ये वाली बस यूज की जाती है. डेटा बस क्या है, बेसिकली डेटा बस हम लोग क्यों यूज करते हैं. डेटा बस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बेसिकली होल्ड द डेटा, ठीक है. इसमें ये होता है कि आप अपने डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बेसिकली डेटा बस का जो मेजर काम जो होता है वो कैरी करता है डेटा को, ठीक है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है. जैसे मैंने एक डेटा को मूव करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उसके लिए मुझे कौन सी बस चाहिए होगी, डेटा बस चाहिए होगी, ठीक है. डेटा बस बेसिकली होल्ड्स द डेटा के लिए यूज किया जाता है. सेकेंडली जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस हमें ये बताती है कि ये डेटा हमने कहाँ से लिया है और हम लोगों ने वेयर वी हैव टू गेट द डेटा एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू बेसिकली वेयर वी हैव टू पुट दिस डेटा, ठीक है. हमने ये डेटा कहाँ से लिया है और कहाँ पे पुट करना है, ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल बस होती है, ये मॉनिटर करती है हमारे पास डेटा और एड्रेस बस को. उसके बाद आपके पास ये इसका एक आर्किटेक्चर है बस सिस्टम का. इसमें आपको डेटा बस नजर आ रही है, उसके एरोस जो है वो डबल है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस कह रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल होती है डेटा बस आपकी, ठीक है. इसका मतलब ये है कि कैरी द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये कंसिस्ट करती है आपके पास 8, 32, 64 बिट्स, ठीक है. इसके अलावा डेटा बस जो होती है इसमें आप, उसके बाद हम आते हैं एड्रेस बस के ऊपर, ठीक है. एड्रेस बस जो होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है. इसमें ये होता है कि कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन, जी. और जो आपकी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है, इसका एरो जो है कि वो एक नीचे को है, सिर्फ एक काम बेसिकली कर सकते हैं, ये कह सकते हैं आप लोग. कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन इन मेन मेमोरी, ठीक है. ये बेसिकली यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द डेटा, कि किस प्लेस के ऊपर आपका डेटा प्लेस होना है, ठीक है. इसके अलावा ये जो बस विड्थ होती है,
ये आपके पास बताती है कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपकी कंट्रोल बस के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल बस जो है वो आपकी क्या है, बाई डायरेक्शनल है वो भी, ठीक है। कंट्रोल बस बेसिकली क्या करती है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑन द बस के ऊपर, ठीक है। ये रेगुलेट करती है आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बस के ऊपर, ये कंट्रोल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, और ये सिग्नल बेसिकली इट कैरीज द सिग्नल दैट रिपोर्ट्स द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल आपके इनपुट आउटपुट के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने बस सिस्टम पढ़ा। बस क्या होती है, बस बेसिकली हमारे पास एक कम्युनिकेशन पाथ होता है बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स को, या आप कह सकते हैं कि हम लोग इसमें ग्रुप ऑफ वायर्स को यूज करते हैं दैट इंटरकनेक्ट कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम में। इसके अलावा बस सिस्टम क्या होता है, बस सिस्टम बेसिकली कनेक्ट करता है मेजर कंपोनेंट्स सच एज योर प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बस सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास थ्री टाइप्स की बसेस थी, डेटा बस, एड्रेस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है, आपका होल्ड करता है डेटा को, या आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कैरी द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और ये बाई डायरेक्शनल होती है। इसके अलावा जो आपकी एड्रेस बस होती है, ये यूज इसमें कलेक्शन ऑफ वायर्स को यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द डेटा इन मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल बस जो होती है, ये रेगुलेट द एक्टिविटी ऑन द बस एंड ऑल्सो कंट्रोल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और इट कैरीज द सिग्नल्स दैट रिपोर्ट्स द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। ये मैंने आपको इस पिक्चर से सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम्स पे, ठीक है। नंबर सिस्टम में सिंपल ये एक जस्ट एक ओवरव्यू है, ये आपने पहले भी मींस के डीएलडी में भी पढ़ा होगा। जैसे हम लोग डिफरेंट बाइनरीज है ना, जैसे 0 1, जैसे 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, ठीक है। ये बेसिकली 8 बिट जो होता है, 8 के लिए हेक्सा यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन ली जाती है। कीप इन माइंड ओनली वन थिंग इज दैट माइक्रो प्रोसेसर इज बेस्ड ऑन बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमेशा 0 1 की जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेक्सा बाइनरी एंड देन हेक्सा बाइनरी सिस्टम्स, एंड देन उसके लिए हम लोग डिफरेंट, जैसे 8 बिट है, उसके बाद हम लोग इनके लिए डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे ए बी सी डी डिफाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये सम लाइक ऑफ योर न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग आगे के लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो उसमें ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। इसमें आपका जो बेसिकली बिट और बाइट, जो 8 बिट्स जो होती हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती है। बेसिकली आपने डीएलडी में भी पढ़ा होगा 0 1 1 0, ये जो लॉजिक्स होती हैं, बाइनरी नंबर्स, बेसिकली ये सारे बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। और डिजिटल क्वांटिटीज में यहाँ पे बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, निबल्स 4 बिट्स होती है, बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। इसके अलावा इसकी वर्ड साइज जो होती है वो MCS51 8 बिट्स के इक्वल होता है, X86 32 बिट्स होता है, X64 64 बिट्स के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे 8 बिट वर्ड साइज कंपोनेंट है, हमने हमारे पास एक बाइनरी गिवन होती है, हमने उस बाइनरी में 1101 जो होता है वो D के बराबर होता है, और इसके अलावा 0011 जो होता है वो 3 के बराबर होता है, ठीक है। तो 8 bits equals to 1 byte। ये बेसिकली हमारा था आज का लेक्चर था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या तीन चीज, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने मेमोरी एंड इनपुट सिस्टम्स को पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें बस सिस्टम के बारे में पढ़ा,
और फिर हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा. नंबर सिस्टम में बेसिकली बाइनरी नंबर्स होते हैं, जैसे 8 बिट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाइनरी नंबर्स लिखते हैं, और फिर हम वर्ड साइज उसका डिफाइन किया जाता है. ठीक है, इसके ऊपर बेस एडिशन मल्टीप्लीकेशन सप्रेक्शन इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं जो हम लोग अगले लेक्चर में इसको परफॉर्म करेंगे. और इसके अलावा हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर किया. और इन अ लाइव सेशन में या आप लोग जब कैंपस में प्रेजेंट होंगे तो इस लेक्चर से रिकॉर्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे. और जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो आई ट्राई माई बेस्ट के उसको मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म मीन्स कि यहाँ पे समझाऊं. और इसके अलावा आपको आपकी लेक्चर से अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे एमएस टीम के ऊपर भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको एमएस टीम्स पे रिप्लाई कर दूं, या जब आप कैंपस आएंगे या ऑनलाइन लाइव सेशन होगा तो उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट को इस लेक्चर से अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे.